जी की फुर्ती देख के, चिश्ती देख के मुझे तो लग रहा है अंकल जी एकदम जवान है। अंकल जी करीब 16-17 एज के हैं। कृष्णा तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हाजिर है मजेदार इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग में, क्योंकि आज हम खाने वाले हैं बाबा जी की भेलपूरी। हाथरस की बहुत मशहूर है वो। हाथरस की मशहूर है अपन? हाथरस की बहुत मशहूर है, जगह जगह मिलती है। और फ्रेंड्स मेन बात है बाबा जी की भेलपूरी, बाबा जी की भेलपूरी खाएंगे। तो चलिए जी, बाबा जी कितने रुपये भेलपूरी देते हो? 10 की। 10 की 10 की ही देते हैं। बाबा जी आपकी एज क्या है? एज क्या है आपकी? उम्र अंकल जी बाबा जी काफी एजेड है आप देख रहे हो। और ये गर्मा गर्म भेलपूरी बना के देने वाले हमको, और गर्म करने के लिए आप देख रहे हो छोटा सा मटका रखा जाता है। और बाबा जी, बाबा जी कब से बना रहे हो ये भेलपूरी यहाँ पे? हम तो लगाइए मतलब कब से लगाते हैं? साल एक महीना। एक महीना तो अंकल जी को एक महीना हो गया लगाते लगाते। तो ये भी हमारे एकदम मस्त स्मार्ट है, मुझे स्मार्ट लग रहा है अंकल जी। अंकल जी काफ़ी स्मार्ट है सही बता दो बाबा जी हमारे। तो बाबा जी जल्दी बना दो। और ये गई टमाटर, और ये गई प्याज, और ये गए आलू। बाबा जी का आलू बहुत अच्छा आलू है, अभी जादू करेंगे भेलपूरी में जाकर। ये गई गर्मा गर्म लाइया। बाबा जी एकदम हंस रहे हैं, बाबा जी मौज ले रहे हैं। मसाला बेटा? हाँ मसाला डालो एकदम गैस डाल लो वैसे। ये नमक, ये मसाला तेज रखो कल कोई? हाँ कल कोई रखो। और ये गई नमकीन राख, और ये गई नमकीन, और अब बारी आएगी हरी चटनी की। तो ये गई हमारी चटनी, और ये गया चोपर, और ये बाबा जी का फेटा। अभी फिर मेरी बन रही है, सबने खा ली, अब मैं रहेगा अकेला। हाँ तुम्हें खा लू था नहीं, अब मैं खाऊंगा। दस ही बनाए तो तुम जल्दी से जैसे अब झट से बाबा जी बनाएंगे वाली है भेलपूरी, और बाबा जी की भेलपूरी। सबसे पहले डाली प्याज, और उसमें टमाटर, और ये आलू, आलू भी गए, और ये गर्मा गर्म लाई। और 10 रुपये में कहाँ मिलती है भेलपूरी आप मुझे जरूर बताना। ये तो पहले हाथ हाथरस की ये तो वैसे भी हाथरस की फेमस है। और ये गए मसाले, ये गया एकदम चाट मसाला कर्रा वाला, और ये नमक, और ये नमकीन, और ये भी नमकीन खटाई लगा दी। और हाँ क्यों नहीं, जरूर आपके बिना मजे नहीं आएंगे। और ये गई खटाई, बाबा जी की खटाई, और ये लेमन का है फ्रेंड अपन जो है चोपर, चोपर बोलते हैं। हाँ थोड़ा चोपर डाल के हम गांव गए बाबा जी। हाँ गाँव में तो आया हूँ ऐसे ही करते। अच्छा कोई बात नहीं, ये चोपर डाल के गर्म बेटा पैक कर दूँ। पैक ना करनी, खा नहीं है नहीं खा के जाएंगे तुम्हारे सामने, बाबा जी के सामने खा के जाएंगे, बाबा जी की भेलपूरी की तारीफ करेंगे हम। 10 की है जी? अरे बाबू, अरे बाबा सही में 10 की है जी, मैं तो नहीं खा पाऊंगा जाए इतनी है। ओ बिने भैया ले आओ, कभी देखिए 10 की तुमने तो नहीं डाला, मैं तो कहियो 60 रुपये ही देगा। तो फिर देख रहे हो, मैं तो देख के चौंक गया। अभी बिने भाई मजे ले रहे हैं बाबा जी की भेलपूरी के। हाँ हाँ मजेदार है एकदम, टेस्टी है खड़े मसाले एकदम, मसालों का तो जवाब नहीं है, मसालों का जवाब नहीं है। अभी मैं भी खाऊंगा, अब बाबा जी लगे हुए जल्दी जल्दी बनाने हैं। ऐसे वो बनाइए बना दो। अच्छा अच्छा और अंकल जी की स्पीड तो आप देख सकते हो, भले अंकल जी एजेड है लेकिन अंकल जी की स्पीड देख के मजा आ गया। ए बन गई
आया कैमरा पकड़िए। लगता नहीं है, लगता नहीं है अंकल जी 90 साल के हैं, मुझे तो ये 24 साल के लग रहे हैं। हाँ तो अंकल जी की फुर्ती देख के, चिश्ती देख के मुझे तो लग रहा है अंकल जी एकदम जवान है। अंकल जी कल 16-17 की एज के हैं, मैं तो कह रहा हूँ अंकल जी की अभी अंकल जी की शादी नहीं हुई है। जो ये अंकल जी काफ़ी मजेदार, काफ़ी फनी है। अगर अंकल जी की आपको 10 रुपये वाली भेलपूड़ी खानी है तो एकदम एग्जैक्ट एड्रेस दूंगा, अभी पूछ के और बजे बजे आना। और सच में अंकल जी की भेलपूड़ी खाना तो बस मैं आपको, आपको अपने घर वालों की याद आएगी, अपने पापा जी की याद आएगी, सबकी याद आने वाली। बाकी बहुत मज़ेदार भेलपूड़ी है, देख रहे हो एकदम बाबा। तो फिर अंकल जी का आप स्पीड देख रहे हो कि मस्त तरीके से काफ़ी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। बाकी मेरा टाइम आ गया खाने का, मेरी मेरी वाली। अब मैं तो कह रहा हूँ इतनी सारी कैसे खत्म करूँगा मैं। स्पाइसी चल रहा है, पता मुझे तो कौन सा रोड है, कनाली रामनगर कनाली रोड पे अंकल जी मिल जाएंगे आपको साइड में, आपस वाला रोड। तो रामनगर आतरस वाला रोड उसी के किनारे मिल जाएंगे कनौली के पास बाबा जी बनाते हुए भेलपूरी। और बाकी मजेदार है, 10 रुपये में इतनी सारी भेलपूरी, में पेट टन हो गया। हत्या बाबा जी से अलविदा, बाबा करने का। और अब मैं कभी भी इस रोड से जाऊंगा तो अंकल जी भेलपूरी खाते हुए जाऊंगा, अंकल जी को मैं 12 मिलने वाला हूँ। सही में मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया। तो जब तक मैं अंकल जी रहेंगे जब तक मैं यहाँ पे आते रहूँगा। तो चलिए अब टाइम आ चुका जाने का, तो आपको भी आना है। अगर आप मुझे कभी मिलते हो तो अंकल जी के पास जरूर लेके आऊँगा मैं आपको। तो चलिए आज के लिए